हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक मंचूरियन रेसिपी, जिसे मैं एकदम नए तरीके से बनाने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 4 अंडे, जिसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच नमक। इसे भी हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हमने एक बर्तन में हल्का सा तेल लगा कर ले लिया है। इसे हम अंडे को डाल देंगे और इसे 15 मिनट स्टीम करके ले लेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गया है, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम छोटे पीसेस में काट लेंगे, पनीर के जैसे जैसे हम पनीर को कट करते हैं वैसे इसे हम काट कर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। इसे एक बार अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिलाएंगे जिससे टूटे ना। तो यहाँ पे ये तैयार है, इसकी अच्छी सी कोटिंग हो गई। अब इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 पैकेट चिंग चाइनीज मसाला, ये 2 से 2.5 चम्मच हम लेंगे। 1 चम्मच में इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और इसका हम थोड़ा सा पानी डालते हुए घोल बनाकर ले लेंगे। अब इसे हम रखेंगे साइड में। यहाँ पे मैंने लिया है 1 शिमला मिर्च, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 1 प्याज, इसे भी मैंने 4 टुकड़ों में करके इसको अलग अलग कर लिया है। 1 प्याज, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 4 हरी मिर्च, इसे मैंने बीच से काट लिया है, हरे पत्ते वाले प्याज। अब यहाँ पे हम पैन में डालेंगे तेल और इसे हाई फ्लेम पे हम 1 के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन, अदरक और बारीक कटे हुए प्याज को। इसे हम 15 से 20 सेकंड भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च और प्याज को डाल देंगे। इसे भी हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम मसाले को डाल देंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 कटोरी पानी। और जैसे ही मसाले में उबाल आ जाएगा, हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाला है थोड़ा सा नमक। नमक को हम ध्यान में रखते हुए डालेंगे क्योंकि मसाले में पहले से नमक होता है, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्च को भी डाल देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। इसमें हम हरे प्याज को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारी एक मंचूरियन खाने के लिए तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।